बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर फ्यूचर टेंस के पोजेशन सेंटेंसेस के दो स्ट्रक्चर्स और फिर उनकी इंग्लिश लैंग्वेज जो स्पोकन इंग्लिश होती है उसके हवाले से पॉइंट्स बताए थे। उसके बाद फिर मैंने थर्ड स्ट्रक्चर जो इंग्लैंड का है, ये इंग्लैंड का थर्ड इसलिए कि उधर उस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि सब कॉन्टिनेंट और अमेरिका दोनों का स्ट्रक्चर फ्यूचर टेंस के जो पोजेशन सेंटेंसेज हैं उनका सेम है। तो मैंने आपको इंग्लैंड का थर्ड स्ट्रक्चर करवाया था, आप उसे सेकेंड भी कह सकते हैं क्योंकि आप सब कॉन्टिनेंट और अमेरिकन स्ट्रक्चर को अगर एक ही गिने तो इंग्लैंड का सेकंड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर उन्हें दो गिने तो ये थर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली आपको मैं बताऊं कि आप अपनी आसानी के लिए इसे सेकंड स्ट्रक्चर इंग्लैंड वाले को समझें, क्योंकि अमेरिकन और सब कॉन्टिनेंट का स्ट्रक्चर सेम है तो वो एक ही गिन लें। अब हम जो इंग्लैंड का स्ट्रक्चर है उसके स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो देखें, नेगेटिव सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश में किस तरह बोलते हैं और रिटन में किस तरह। आई शैल नॉट हैव गॉट बुक्स, लेकिन स्पोकन में आई शॉन्ट हैव गॉट बुक्स। ही विल नॉट हैव गॉट ए कार, ही वॉन्ट हैव गॉट अ कार, ये स्पोकन। अच्छा, जो रिटन इंग्लिश होती है उसे भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्पेशली स्पोकन के लिए इसलिए बता रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश के लिए कि ज़्यादा जो कंट्रैक्शन है यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिलाकर बोलना, ये स्पोकन इंग्लिश में चलता है। अब आ जाए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। विल यू नॉट हैव गॉट अ कार, और दूसरा वॉन्ट यू हैव गॉट अ कार। Shall I not have got any stick, और अगर shall I not have got any stick के बाद spoken English के हवाले से sentence को बोलें तो shan't I have got a stick। अब आ जाए इसके confirmation वाले है ना वाले जुमले। statement है I shall have got books, तो इसका है ना वाला होगा शांट आई। पॉजिटिव स्टेटमेंट तो शैल के साथ नॉट को कंट्रैक्शन में ले जाकर बोला। ही विल हैव गॉट ए कार, और है ना के लिए वॉन्ट ही, डब्ल्यू ओ एन ऊपर कॉमा जिसे अपॉस्ट्रोफी कहते हैं टी, तो वॉन्ट ही। अच्छा, अगर इसकी स्टेटमेंट पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो फिर है ना किस तरह करते हैं, कंट्रैक्शन किस तरह ख़त्म हो जाता है नॉट के साथ, ये देखें। आई शैल नॉट हैव गॉट बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं होंगी, और क्या होगा इसका है ना शैल आई, नेगेटिव स्टेटमेंट। तो अब क्वेश्चन टैग जिसे कहते हैं या है ना कहते हैं कंफर्मेशन के लिए, उधर शैल के साथ नॉट नहीं कंट्रैक्शन में आएगा यानी शॉर्ट नहीं होगा। ही विल नॉट हैव गॉट एनी कार, और इसका है ना विल ही, कंट्रैक्शन में नॉट विल के साथ नहीं आएगा। स्टूडेंट, ये पॉइंट्स थे जो आपको मैंने बताना थे स्पोकन इंग्लिश के हवाले से। अब चलते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ पर हर सेंटेंस के दो तरह की ट्रांसलेशन होगी, एक सब कॉन्टिनेंट और अमेरिका का स्ट्रक्चर तो सेम है और दूसरा इंग्लैंड के स्ट्रक्चर के हवाले से। मेरे पास अगले साल तक एक नया घर होगा। आई शैल हैव अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, ये सब कॉन्टिनेंट और अमेरिका का। और अब आ जाए आई शैल हैव गॉट अ न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर, ये इंग्लैंड का तरीका है। अब आ जाएँ उसके पास खिलौने नहीं होंगे, ही विल नॉट हैव गॉट
टॉयज, ही विल नॉट हैव टॉयज, ये सब कॉन्टिनेंट का और अमेरिकन तरीका है, और ही विल नॉट हैव गॉट टॉयज, ये इंग्लैंड का तरीका है। हमारे पास सफ़ेद जूते नहीं होंगे, वी शैल नॉट हैव वाइट शूज़, ये सब कॉन्टिनेंट और अमेरिकन, और वी शैल नॉट हैव गॉट वाइट शूज़, ये इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का तरीका है। क्या तुम्हारे पास अगले साल तक बीए की डिग्री होगी, विल यू हैव ए बीए डिग्री बाय नेक्स्ट ईयर, ये सब कॉन्टिनेंट और अमेरिका का तरीका, और विल यू हैव गॉट ए बीए डिग्री बाय नेक्स्ट ईयर, ये इंग्लैंड का तरीका। अब आ जाए, उसके पास बंदूक क्यों होगी, वाई विल ही हैव अ गन, ये सब कॉन्टिनेंट और अमेरिका का तरीका, और वाई विल ही हैव गॉट अ गन, ये इंग्लैंड का तरीका। क्या माली के पास फालतू पौधे होंगे, विल द गार्डनर हैव एक्स्ट्रा प्लांट्स, ये सब कॉन्टिनेंट और अमेरिका का तरीका, और विल द गार्डनर हैव गॉट एक्स्ट्रा प्लांट, इंग्लैंड का तरीका। अब आ जाइए, किसान के पास बैलों की जोड़ी होगी, द फार्मर विल हैव योक ऑफ ऑक्सन, अच्छा ये अमेरिकन और सब कॉन्टिनेंट का तरीका, और द फार्मर विल हैव गॉट योक ऑफ ऑक्सन, ये इंग्लैंड का तरीका। तलबा के पास कलम क्यों नहीं होंगे, Why will the students not have pens? ये अमेरिका और सब कॉन्टिनेंट दोनों का स्ट्रक्चर, और Why will the students not have got pens? ये इंग्लैंड का स्ट्रक्चर। क्या मजदूर के पास बेलचा होगा, Will the laborer have a spade? और ये सब कॉन्टिनेंट और अमेरिका का तरीका, और अगर हम इंग्लैंड के तरीके की बात करें तो विल द लेबरर हैव गॉट ए स्पेड। अब आगे चलते हैं कि मोची के पास फटे हुए जूते होंगे, द कॉबलर विल हैव टोर्न शूज, TORN, ये फटे हुए की इंग्लिश है, टोर्न शूज, ये अमेरिका और सब कॉन्टिनेंट, और द कॉबलर विल हैव गॉट टोन शूज, ये इंग्लैंड का तरीका है। अब आगे चलते हैं, पुलिस के पास हथकड़ी होगी, द पुलिस विल हैव हैंडकफ, ये अमेरिका का और सब कॉन्टिनेंट का तरीका, द पुलिस विल हैव गॉट हैंडकफ, ये इंग्लैंड का तरीका। ये लास्ट सेंटेंस है, क्या खिलाड़ियों के पास गेंद होंगे, विल द प्लेयर्स हैव बॉल्स, ये अमेरिकन और सब कॉन्टिनेंट का तरीका, और विल द प्लेयर्स हैव गॉट बॉल्स, ये इंग्लैंड का तरीका। स्टूडेंट, यही कुछ इस वीडियो में था, मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवा दी। कुछ भी पूछना हो सिर्फ इस एक्सरसाइज या पीछे जो पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड ही नहीं, बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज की कोई बात पूछनी हो, कोई ग्रामर का पॉइंट पूछना हो, स्पोकन इंग्लिश का पूछना हो, आपने मेरे से क्वेश्चन करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने क्वेश्चन पुट अप कीजिए। मेरा काम आपको सेटिस्फैक्शन देना है, वरना इस मेरे चैनल का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।